तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर उस नौजवान से बिहार में डरते हैं जो नौजवान उनको लगता है कि उनके इंद्र के सिंहासन को अब डोलवा देगा। एक दलित की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सके, ये उनके विचार हैं। ये किसके विचार हैं? जो दलित वर्ग में, दलित परिवार में पैदा लेता है। अशोक चौधरी जी को डूब मरना चाहिए, कहीं देखें चुल्लू भर पानी। आप जिस तरह से दलितों का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से अति पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यकों का अपमान करवा रहे हैं, आने वाले समय में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तेजस्वी यादव जी का जो सपना है, जो रात के अंधेरे में तो छोड़ दीजिए, दिन में भी दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, चचा हमको बनाएंगे। अरे चचा तो कितने को खा गए, आपको भी क्या पता है, आपके पिताजी को खाकर चबाकर बैठ गए। लोकतंत्र में जब नेता कोई ऐसी गुप्त बात करे जो जनता के बीच में ना जाए, उसकी कलई ना खुल जाए, इसका डर अगर हो जाता है तो आप समझ जाइए कि राजनीति का क्या स्तर हो गया है। आज जो हम लोग फिर से आप लोगों के माध्यम से महागठबंधन के जो तथाकथित समाजवाद के पुरोधा हैं और किस तरह से वो कैसा नेतृत्व चाहते हैं बिहार में और किस तरह से वो दलितों का लगातार अपमान करते हैं और जिस तरह से हमारे नेता डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद और अपने अस्तित्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो कदम उन्होंने उठाया, उसके बाद उन लोगों के पेट में दर्द है और जो हमेशा वो करते रहे कि हर दलित को, किसी न किसी दलित को खड़ा करके और उसको गाली दिलवाने का काम करते हैं, ये काम आज फिर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी दोहरा रहे हैं। हम आपसे केवल मूल कारण जो है वो शेयर करना चाहते हैं कि एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे नेता ने महागठबंधन को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करने का काम कर रहे थे और उनको ये डर था कि वो बीजेपी के एजेंट बन जाते और उनका जो ISI वगैरह और चाइना के कौन सा क्या कुछ गुप्त बातें चाइना के एजेंटों को बिठा करके और किसको किसको वो करते, वो कलई खुल जाती। हमको यह नहीं पता कि लोकतंत्र में जब नेता कोई ऐसी गुप्त बात करे जो जनता के बीच में ना जाए, उसकी कलई ना खुल जाए, इसका डर अगर हो जाता है तो आप समझ जाइए कि राजनीति का क्या स्तर हो गया है। मूल कारण था संतोष मांझी जी से डर का कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर उस नौजवान से बिहार में डरते हैं जो नौजवान उनको लगता है कि उनके इंद्र के सिंहासन को अब डोलवा देगा। जब संतोष मांझी जी बिहार में जनसंपर्क गरीब संपर्क यात्रा पर निकले और जो उनका एक पढ़ा लिखा होने का, एक सुसंस्कारित, एक सुविचारित, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जब लोगों के बीच में गया और बहुत ही पॉपुलर होने लगा कि नौजवान और जितने भी बिहार के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या और भी जितने लोग हैं, सब लोग जब उनके पीछे खड़े होने लगे तो उनके पेट में दर्द हो गया, जैसे कभी चिराग से, कभी मुकेश सहनी से, कभी कन्हैया से, इन सब से तेजस्वी यादव जी को घबराहट होने लगती है। और घबराहट का कारण भी है कि जब नेता का एक परसेप्शन बनने लगा और बिहार से एक बात जाने लगी पूरे देश और दुनिया में कि हाँ, दलित वर्ग में अब कोई एक ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान जो सबसे निचले पायदान में लोग गिनते हैं, उस समाज से उभर कर आया है और अम्बेडकर जी के बाद जिस तरह से बाबू जगजीवन राम, फिर कह लीजिए तो राम सुंदर दास जी, भोला पासवान शास्त्री जी, राम सुंदर दास जी और जीतन राम मांझी के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों के लिए चैलेंजिंग होने वाला है, तो ऐसा डर गए, ऐसा घबरा गए कि नीतीश कुमार जी के साथ जाकर के एक साजिश रची और इस पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने का उन्होंने एक ये ड्रामा रचा और सब कुछ वो उनकी आदत के अनुरूप अब अफवाह फैला रहे हैं, गाली दिलवा रहे हैं। तो ये तो खैर उनकी अपनी जो नियति है, जो उनका नीति है, उसके अनुरूप वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमको हैरानी होती है कि वो गाली किससे दिलवा रहे हैं। वो गाली दिलवा रहे हैं कुछ लैंडलेस नेताओं से, आप लोग भी समझ रहे होंगे। अशोक चौधरी जी अभी बहुत जो है दलित के बड़े हितैषी बने फिर रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी की हैसियत नहीं थी
कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकें, तो अशोक चौधरी जी को डूब मरना चाहिए। कहीं देखें चुल्लू भर पानी कि एक दलित की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सके। ये उनके विचार हैं, ये किसके विचार हैं जो दलित वर्ग में दलित परिवार में पैदा लेता है। और वो कैसे दलित हैं, हम तो उन्हीं से सवाल करते हैं कि आप अशोक चौधरी जी बताएं कि क्या उनके दिमाग में आया कि दलितों से कैसी नफरत उनको आई कि उन्होंने शादी ब्याह करना बंद कर दिया, ना अपनी शादी की ना अपने बच्चों की शादी दलित वर्ग में कर रहे हैं। और तो और वो कहाँ के रहने वाले हैं, शायद वो उनको लगता हुआ कि बिहार नहीं जानता है, उनकी राजनीतिक पहचान बरबीघा से बनी, लेकिन उनकी जो पुश्तैनी जमीन है और जो उनका पैतृक गांव है वो जहानाबाद के कुरवा गांव में है। और उनको दलितों से इतनी नफरत कि जिस दलित बस्ती में जन्म लिया वहाँ की जमीन को वहाँ के मकान को सबको बेच के वो अपना महानगर में बस गए। अब वो पटना और मुंबई और महानगरों की जिंदगी, आलिशान जिंदगी जीते हैं और दलितों को अपने परिवार से अपने बीच से बिल्कुल दूर कर दिया और दलितों के मसीहा बने हैं। चुनाव लड़ते नहीं, दलित है नहीं, दलित उनको मानते नहीं और फाइल्ड होकर करके वो, कल मैंने रजनीगंधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कहा था, वो लगभग उसी लाइन पर हैं कि पॉलिटिकल लाइजनर बनना, दलाली करना, नेताओं का पैर पूजन करना। और तो और वो उसके भी नहीं हुए, वो कहाँ से राजनीति में आए हैं। आज राजू बाबू का परिवार, आज राजू बाबू की आत्मा रो रही होगी कि कैसे राजू बाबू ने उस परिवार को स्थापित किया राजनीति में, उनका भी खात्मा करने में अब क्या रहा नहीं रहा ये राम जाने, कोर्ट जाने, जो भी जाने। लेकिन एक जनता के बीच में जो चर्चा होती है और उस परिवार के बेटे को फंसा करके राजनीतिक जाल में कांग्रेस को तोड़ने का काम किया, कांग्रेस से उनको ला करके जनता दल यूनाइटेड में अपने केस को ख़त्म करवाने के लिए साजिश रची, और फिर जब केस ख़त्म हो गया तब उस परिवार को भी देखिए सुदर्शन जी को कैसे बेइज्जत करा रहे हैं। तो ये तो अशोक चौधरी जी का राजनीतिक चरित्र है। और नीतीश कुमार जी का राजनीतिक चरित्र है कि खुद तो चुनाव लड़ते नहीं, खुद तो 20-25 सालों से चुनाव से दूर हो गए, और अपने अगल बगल देख लीजिए कैसे लोगों से क्या कहलवा रहे हैं। एक संजय झा जी हैं, हवाई जहाज वाले नेताजी, वो कहते हैं कि मांझी जी स्वतंत्र हैं जिस पार्टी में जाएं, तो हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो कब का अपनी पार्टी बना चुके हैं। संजय झा जी आप रहिए, अब बिना जनता के बीच में जाके मक्खन मलाई खाइए और बड़ा बड़ा मंत्रालय देखिए। तो ऐसे लोगों से घिर गए हैं नीतीश कुमार जी जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। तो ये तो दूसरा अशोक चौधरी जी को चैलेंज है हम पार्टी का कि वो बिहार में कोई भी एक क्षेत्र चुन लें। ऐसे तो उनको कोई क्षेत्र है नहीं, कहीं से चुनाव लड़ने की बेचारी की जमीन है नहीं, मुखिया का चुनाव तो कभी जीत नहीं पाएंगे अब। लेकिन क्षमता अगर है तो अपने नेता को कहें एक सीट उनको चुन कर दें, और वहाँ से हमारी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, जैसे हमारे नेता ने प्रफुल्ल मांझी जी को विधायक बना दिया, वैसे कोई साधारण कार्यकर्ता अगर उनको जाकर न पटक दे तब फिर हम पार्टी उनके आगे हार मान लेगी और मान लेगी कि हमारी हैसियत नहीं। और अशोक मांझी जी इंटरनेशनल नेता, ये अशोक चौधरी जी इंटरनेशनल दलितों के नेता हैं, हालांकि वो दलित तो हैं नहीं, अब बाकी तो आप समझिए। दूसरा एक उजागर करना चाहते हैं महागठबंधन के नेताओं का जो चरित्र है, इनको कैसा नेता चाहिए, इनको पैर पूजने वाला नेता चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह बताना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि दलित वर्ग से आखिर क्या उम्मीद करते हैं कि एक पढ़े लिखे नौजवान संतोष मांझी के विकल्प के रूप में किन लोगों को लाया। खैर हमारी रत्नेश सदा जी से पूरी कह लीजिए कि अपना हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़ें, उनको मौका मिला है। संतोष मांझी जी को गाली दें, जीतन राम मांझी जी को गाली दें, हो सकता है कुछ और दे दें, ऐसा ही होता रहा है। आज जिस दशरथ मांझी जी को हम लोग जो है दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं भारत रत्न दिलाने के लिए, उनके परिवार की क्या स्थिति थी, आज वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके बेटे को जो कि बेचारे इतने सीधे साधे हैं कि कुछ नहीं मतलब कभी ध्यान नहीं दिया, आज उनको पार्टी में ला करके फोटो दिखा रहे हैं। तो खैर ये तो उनका चरित्र है। हम अपनी पूरी जो ये महागठबंधन के नेताओं का जो चरित्र है उस पर अपनी बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी पैर छुआ रहे हैं, रत्नेश सदा जी जो उनके उम्र से कम 3 गुने बड़े होंगे, लालू जी से थोड़े बहुत छोटे होंगे,
पिता की उम्र के हैं और उनसे अपना पैर छुआ रहे हैं और महिमा मंडन करवा रहे हैं और क्या क्या बुलवा रहे हैं, तो ये दलितों का कितना बड़ा अपमान है। ये दलित वर्ग भी देख रहा है, पूरा बिहार भी देख रहा है, और आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी का जो सपना है, जो रात के अंधेरे में तो छोड़ दीजिए, दिन में भी दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, चचा हमको बनाएंगे। अरे चचा तो कितने को खा गए, आपको भी क्या पता है, आपके पिताजी को खाकर चबाकर बैठ गए, और अब आप आए हैं लाइन में, तो आप भी कहाँ जाएंगे। देखेगा बिहार और देखेगी दुनिया, आप जिस तरह से दलितों का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से अति पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यकों का अपमान करवा रहे हैं, आने वाले समय में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और फिर आप कहाँ के रहेंगे ये हम भी देखेंगे और पूरा बिहार देखेगा। अगली राजनीति हमने कल भी कही थी कि हम जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे और बिहार के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए जो कुछ बन पड़ेगा हम उस ओर अपना एक मार्ग प्रशस्त करेंगे, अपना एक संघर्ष जो हमारा है हम उसको जारी रखेंगे।